भारत से कैनेडियाई डिप्लोमेट्स को बाहर निकालने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन कैनेडा का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यूएस और यूके ने अपील की है कि कैनेडा की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को कम करने पर भारत जोर ना दे। इन देशों ने ओटावा की तरफ से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने पर भी चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि हम कैनेडाई राजनयिकों के भारत से वापस बुलाने को लेकर चिंतित हैं, जो कि भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को कम करने की नई दिल्ली की मांग के बाद उठाया गया कदम है। आपको बता दें कि इसी साल जून में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के कैनेडियाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों तरफ से राजनयिक तनाव पैदा हो गया, जिसे लेकर अमेरिका का कहना है कि उसने कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लिया है। वाशिंगटन और लंदन ने भारत से इस हत्याकांड की जांच में कनाडा की मदद करने की अपील भी की है। हालांकि पश्चिमी देश इस विवाद को लेकर अब तक भारत की खुले तौर पर निंदा करने से बच रहे थे और इसकी वजह आपसी संबंध है। जानकारों का कहना है कि यूके और यूएस भारत के साथ अपने संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि वो भारत को चीन के संतुलन के तौर पर देखते हैं। मगर अमेरिकी विदेश विभाग और ब्रिटेन के विदेश कार्यालय का ताज़ा बयान इस मामले में नई दिल्ली की सीधे तौर पर आलोचना कर रहा है, जिसे भारत पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रिटिश विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम भारत सरकार के फैसलों से सहमत नहीं है, जिसके चलते कई कैनेडियाई राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा है। राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले विशेषाधिकारों को एक तरफा हटाना वियना समझौते के तहत नहीं है। वहीं भारत ने कैनेडाई राजनयिकों की वापसी को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में पेश करने की कैनेडा की कोशिशों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दो तरफा राजनयिक समानता सुनिश्चित करना पूरी तरह से राजनयिक संबंधों को लेकर हुई वियना समझौते के प्रावधानों के मुताबिक है। भारत की टिप्पणी कैनेडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली की तरफ से भारत से राजनयिकों की वापसी की घोषणा के बाद आई है, जिसमें उन्होंने नई दिल्ली की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत और राजनयिक संबंधों पर वियना संधि का उल्लंघन बताया था। आपको बता दें कि कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए पिछले महीने भारत ने कनाडा से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।